Hello friends, as we all know, after your science board exam paper, you have your social exam. और social exam के लिए आपके पास reasonable number of holidays भी हैं, यानी कि अगर आप चाहो और यहाँ पर अच्छे से पढ़ लो तो आपको बहुत अच्छे marks social studies में आ सकते हैं, right? लेकिन हमेशा कहा जाता है कि smart study या smart work is always better than hard work. Therefore, here we come up with a strategy as based on CBSE sample paper, जैसे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज पहले पढ़नी है, बाद में पढ़नी है, कौन सी चीज ज्यादा पढ़नी है और कौन सी चीज कम पढ़नी है, right? So, जब हम लोग हमारा सोशल का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इकोनॉमिक्स से. वाई इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ईजी. टू, इकोनॉमिक्स अगर आपने एक बार पढ़ लिया सो देयर आर लेस चांसेस कि आप उसको भूलोगे. Right, and the language that you use in economics is closely related to your daily language. जिससे आपको बहुत सारी चीजें रटना नहीं लगानी पड़ेगी. अगर आप bullet points अच्छे से रट लोगे तो चार दिन बाद ही वो सारी चीजें आपको याद रहेगी. Right, अब अगर हम लोग economics का blueprint देखें तो economics के syllabus के हिसाब से आपके पास चार chapters है, development, sectors, money and credit, globalization. और अगर CBSE blueprint के हिसाब से देखें तो आपके पास जो वेटेज है सबसे ज्यादा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और उसके बाद है मनी एंड क्रेडिट. और ये दोनों अपने आप में बहुत इजी चैप्टर्स हैं. इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे किससे? मनी एंड क्रेडिट से. उसका एक बेसिक सा रीजन है कि मनी एंड क्रेडिट से हम लोग को सीधे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि ईजी होगा. और ये 5 नंबर के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? रोल ऑफ RBI या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें मनी एंड क्रेडिट में से 5 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर हमने ये 5 मार्कर्स कर लिए तो हमारा ये चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट हो जाएगा. मूविंग ऑन, इसके बाद हम लोग उठाएंगे कौन सा? ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का वेटेज तो कम है लेकिन ग्लोबलाइजेशन से जो 1-3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन बहुत ईजी है. वो हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव या नेगेटिव. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे एक अदर क्वेश्चन 3 मार्क में बन सकता है बड़े आराम से. सो दीज आर सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चन. या फिर इंडिया ने 1990 तक ट्रेड बैरियर्स क्यों रिटेन करके रखे थे. सो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो जनरली बहुत ईजी होते हैं, याद करना भी बहुत आसान होता है, वो हम लोग यहाँ से कर लेंगे ग्लोबलाइजेशन से. इसके बाद सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ध्यान से देखा जाए तो हमें आ रहा है क्या? 1-3 मार्क का क्वेश्चन और 1-2 मार्क का क्वेश्चन. इससे ये पता चल रहा है कि हमें बहुत लंबे आंसर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है. हमारे 3 मार्क के आंसर शुड नॉट बी मोर देन 60-80 वर्ड्स और हमारे 2 मार्क के आंसर शुड नॉट बी मोर देन 30-50 वर्ड्स, राइट? सो इसके बाद हम लोग उठाएंगे क्या? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और लास्ट में हम लोग लेंगे हमारा Unit 1 डेवलपमेंट. Unit 1 डेवलपमेंट बिकॉज इससे सिर्फ MCQ आएंगे. तो अगर आप इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, लॉन्जिटिविटी क्या होती है और अलग अलग रेशियोज क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप कर लोगे तो आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स फुल फ्लेज लेवल पे खत्म हो जाएगा. आफ्टर इकोनॉमिक्स हम लोग उठाएंगे सिविक्स. वाई सिविक्स? क्योंकि सिविक्स का अगर हम लोग पेपर पैटर्न स्टडी करें तो दो चैप्टर्स है जहाँ का वेटेज बहुत ज्यादा है, एक पॉलिटिकल पार्टीज और एक पावर शेयरिंग. अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर जाएं तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है पॉलिटिकल पार्टीज से 1-5 मार्क का क्वेश्चन आएगा. और क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ये जनरली एक बड़ा क्वेश्चन होगा या फिर 2 छोटे क्वेश्चन का मिक्सचर होगा, जैसे कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म करना है, ठीक है? तो ये जो छोटा क्वेश्चन यहाँ से जो ये 1-5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये 5 मार्क का क्वेश्चन कहाँ फोर्स करेगा? आपके ये बड़े आंसर्स पे जो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बहुत आसान है, बहुत कॉमन है और आप साल भर शुरू से इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज के बाद हम लोग आगे पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग एज ए चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको साल भर रिपीटेटिवली पढ़ते आए हो और यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है वो केस बेस्ड आ रहा है. यानी कि अगेन अगर आपने इस चैप्टर की हल्की फुल्की रीडिंग लगा ली विथ फुल फोकस ऑन योर MCQ तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा और केस बेस्ड का 70% आंसर आपको ऊपर केस में ही मिल जाएगा. रेस्ट जो 30% बचता है वो आपको चैप्टर रीडिंग से आपको ये चीज सेटल हो जाएगी. उसके बाद आप जो अगला चैप्टर उठाएंगे वो होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. क्यों आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी? बिकॉज ये 3 मार्क का चैप्टर है और इसके जितने भी आंसर्स हैं वो छोटे हैं और चैप्टर इन टर्म्स ऑफ लेंथ बहुत छोटा और लिमिटेड है.
यानी कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो मुश्किल से हमारे पास 15 क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे और कोई भी आंसर्स 3 पॉइंट से बड़ा नहीं है। तो अगर हम लोग ये 15 क्वेश्चंस एक बार रीड कर लें और या फिर ये 15 क्वेश्चंस के 3 पॉइंट्स दिमाग में सेट कर लें तो हमारा सिविक्स का कोर्स डन एंड डस्टेड हो जाएगा। मूविंग ऑन टू योर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत लेंदी है, लेकिन ज्योग्राफी में एक फायदा है, हमें ज्योग्राफी में मैप आ रहा है 3 मार्क का, और ये 3 मार्क का मैप एक इसमें से वाटर रिसोर्सेज में से आ रहा है और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आ रहा है और एक मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज से आ रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है अगर इन 3 चैप्टर्स के मैं 3 मार्क्स अच्छे से कर लूंगी तो आउट ऑफ 20 मेरे 3 मार्क्स यहाँ सेटल हो जाएंगे, और वाटर रिसोर्सेज से क्योंकि एक पेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है तो आउट ऑफ 20 4+3 7 मार्क्स मेरे पॉकेट में ऑलरेडी है। इफ आई वर्क फॉर ऑन मार्क्स, यानी कि अगर मैंने मार्क्स को इन 3 मार्क्स को मुश्किल से 15 से 20 मिनट भी दे दिए तो मेरे 7 मार्क्स मेरे पॉकेट में हो जाएंगे, 4 फॉर केस एंड 3 फॉर दीस। ठीक, मूविंग ऑन फॉर योर 5 मार्क क्वेश्चन, आपका 5 मार्क क्वेश्चन जो है वो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ना इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें से 30-40% ऑफ द इंडस्ट्रीज CBSE ने कोर्स से हटा दिए। यानी कि अगर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द चैप्टर देखें तो आपको गिनती की कुछ 3 या 4 इंडस्ट्रीज अच्छे से पढ़नी है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इस तरह की चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपका ये 5 मार्क का क्वेश्चन बड़ी आसानी से सेटल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग दिखता लंबा है बट क्योंकि CBSE ने बहुत सारा पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है तो आपको यहाँ बहुत कम पढ़ने की जरूरत है। मूविंग ऑन, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको जो चैप्टर उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, क्योंकि रोडवेज क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, रेलवेज, पाइपलाइंस, ये सारी चीजें, टूरिज्म एज अ ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज ट्रेड, ये सारी चीजें बहुत बेसिक नॉलेज से निकल कर आती है। यानी कि इस चैप्टर को अगर आपने हाफ एन आवर भी दे दिया तो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आप बड़े आराम से अपने ज्योग्राफी का कोर्स वाइंड अप करके आगे जा सकते हो। देन कम्स हिस्ट्री। हिस्ट्री सुनते ही दिमाग में एक फियर आ जाता है कि कैसे पढ़ेंगे, याद नहीं रहता, बट अगेन अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास 2 मार्क का मैप आ रहा है और ये 2 मार्क का मैप जो है ये सिर्फ एक चैप्टर में से आ रहा है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अगर हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का वेटेज देखें तो यहाँ पर 2 मार्क का मैप आ रहा है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि अगर आपने 15 मिनट उस 2 मार्क के मैप को दे दिए तो शॉर्ट आपके मार्क्स मैप में कहीं नहीं कटेंगे, और इन रिलेटिविटी आप इंडिया का नेशनलिज्म इंडिया की पुरानी मूवीज में भी देखते आए हो तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप इन चैप्टर से खुद को बहुत आराम से लिंक कर सकते हो। तो ये 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। फिर जो अगले 5 मार्क आ रहे हैं वो है नेशनलिज्म इन यूरोप के। अब नेशनलिज्म इन यूरोप में से जो 5 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो होगा बाल्कन रीजन, इंपीरियलिज्म, सेकेंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ट्रीटी, नेपोलियनिक कोड, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो 5 मार्क में आ जाएंगे। तो अगर मुझे यूरोप पढ़ना है तो मुझे पूरा यूरोप पढ़ने की जरूरत नहीं है, दीज आर अ सेट ऑफ 5-10 क्वेश्चंस जो अगर हम लोग पढ़ लेंगे, जर्मनी, इटली, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बाल्कन रीजन, तो हमारा ये 10 मार्क में, 10 क्वेश्चंस में हमारे 5 मार्क का चैप्टर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रिंट कल्चर, क्योंकि इसमें से सिर्फ MCQs आ रहे हैं तो यहाँ हमको सिर्फ इसके 1 मार्कर्स पे फोकस करना है, यानी कि कौन सी बुक किसने लिखी, पेनी सीरीज क्या होती थी, शेलिंग सीरीज क्या होती थी, और इंडिया के फेमस ऑथर्स उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, मार्टिन लूथर ने क्या बोला, ये सारी चीजें 1 मार्कर्स यानी कि हिस्ट्री में आप अगर देखें तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और प्रिंट कल्चर, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, 1 मार्कर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, बाकी चीजें आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगेन जो एडवांटेज हमें साइंस या सोशल या कहीं और मिलता है वो मिलेगा क्या, जितने भी 5 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास आएगी इंटरनल चॉइस। यानी कि अगर हमने 5 मार्क वाले चैप्टर्स बहुत थरली कर लिए और कुछ क्वेश्चन हमको उसके बाद भी उसमें से नहीं आता तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि हम लोग और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। सो अगर आप इस पैटर्न से स्टार्टिंग विथ योर इकोनॉमिक्स फॉलोड बाय सिविक्स एंड ज्योग्राफी एंड लास्टली हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड का प्रिपरेशन, सोशल का बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।